हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। सो गाइस, एसएससी की स्टेनो की और सीपीओ की अभी डेट को लेकर के क्या चल रहा है, इसको लेकर के हम लोग आपसे आज बातचीत करना आया हूँ। हालांकि अभी अगर देखा जाए, हाल फिलहाल अगर कोई बातचीत करने बैठे हम लोग कि क्या अभी कैलेंडर रिवाइज हो सकता है, तो अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि कैलेंडर रिवाइज होगा। लेकिन अगर बात करें एसएससी के अपने तेवर की, जिस मॉड्यूल पर एसएससी वर्क कर रही है इस समय, सो बड़ा ही फास्ट ट्रैक में वर्क चल रहा है अगर देखा जाए तो। फिर भी क्योंकि पूरा प्रोसीजर जैसे कि बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही सब कुछ चल रहा है। 23 तारीख को सीजीएल की वैकेंसी का 23 तारीख को सीजीएल की वैकेंसी सामने है। अब स्टेनो की वैकेंसी इतनी लेट क्यों रही है, उसके पीछे कारण जानते हैं। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता ही है कि अभी 2019 भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है इनकी तरफ से। फिर उसके बाद में 2020 का भी स्किल अभी अटका हुआ है, फिर उसका भी रिजल्ट निकालना है। तो एसएससी चाहेगी कि पहले पूरी तरह से एक तरफा हो जाए वो, उसके बाद में वो अगली अपडेट सामने दे। क्योंकि अगर वो 2021 का एग्ज़ाम भी करवा लेती है तो फिर 3 एग्ज़ाम एसएससी स्टेनो के उसके सामने हो जाएंगे, जो कि प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कैलेंडर तो डायरेक्ट चेंज नहीं करेगी एसएससी, कि बिल्कुल डायरेक्ट चेंज कर दे आपके सामने आपके कहने पर या फिर हमारी वीडियोज़ बनाने पर, डायरेक्ट चेंज तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम समय पर हो सकता है, यानी कि ये दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है जिस तरह से ऐसी चल रही है। अगर ये सभी इस तरह से वैकेंसी आती रही समय पर ही, तो शायद रिजल्ट भी इनके समय पर आ जाएँ स्टेनो 2019 का भी और 20 का, ये स्किल भी करवा लें। अगर स्टेनो 2019 का रिजल्ट भी समय पर आ जाता है तो इनका एक काम निमट जाएगा और स्किल देने के बाद में इनका दूसरा काम भी, बस फिर रिजल्ट की टेंशन हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वैकेंसीज आपकी समय पर आ सकती हैं, यानी कि जो समय आप चाह रहे उस समय पर, और दिसंबर से पहले एग्ज़ाम भी हो सकता है। और जितने लोगों से बातचीत हुई है अंदर की बात में भी यही क्लियर होकर आ रहा है कि शायद दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होगा ही। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी में लग रहिएगा, तैयारी से मत भटकेगा। क्योंकि अगर ऐसा 1% भी हो गया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आयोग में बैठा हूँ तो बिल्कुल सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों कुछ तर्क वितर्क पे ही मैं कुछ बात कह रहा हूँ आपसे। सो आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिएगा, तैयारियों में जरा भी ढिलाई मत बरतिएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि एसएससी ने बताया नहीं था और ऐसा कर दिया, फिर आप यही एसएससी को दोष देंगे। तो दोष किसी को मत दीजिए, दोष सिर्फ हम अपने भाग्य को दे सकते हैं। हमारी किस्मत में जो लिखा है वैसे ही होना है। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं बच्चों, तो हम लोगों को मेहनत करनी है, डट के मेहनत करनी है। हमें पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं होना है। जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बस मैं आपसे फिर से ये कहूँगा, तैयारी मत छोड़ेगा, ये मत सोचेगा कि एग्ज़ाम तो अप्रैल में है तो मैं अपनी ढिलाई बरत लूँ। क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, ये है वो है, बिल्कुल ऐसा मत सोचेगा। अपना कंटिन्यू स्टडी जारी रखें बच्चों, ओके। सो लगे रहिए अपनी स्टडीज़ में और विश करते रहें कि सब कुछ ठीक ठाक हो और जल्द से जल्द हो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।